नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भारत के साथ सामान्य रिश्तों की बुनियाद को पाकिस्तान सालों पहले खोखला कर चुका है। रिश्तों की खटास राजनीति तक ही सीमित नहीं है, यह क्रिकेट के मैदान पर भी नजर आता है। पाकिस्तान के नापाक हरकतों के चलते भारत ने लगभग 1.5 दशक पहले बायलेटरल सीरीज खेलना बंद कर दिया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान का पिछला दौरा 2006 में किया था। हालात पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। किसी टूर्नामेंट के लिए भी भारत कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं करता। भारत अगले साल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप के लिए दौरा करने से मना कर दिया है। भारत की गैर मौजूदगी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका होगा, लिहाजा एशियन क्रिकेट काउंसिल इस टूर्नामेंट को फिलहाल पाकिस्तान से बाहर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का विचार कर रहा है। हालांकि यह पाकिस्तान के लिए एक झटका से कम नहीं है, लेकिन उसे पता है कि वह भारत के साथ तल्ख रिश्तों के साथ क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह है कि इन तमाम उथल पुथल के बीच पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा करने पर राजी हो गई है। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें मौजूद हैं। पाकिस्तान पहले ही आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं के कारण इंटरनेशनल स्टेज पर अलग थलग पड़ चुका है, लिहाजा उसके लिए यह मौके को गंवाना मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान टीम वक्त गंवाए बिना भारत दौरे के लिए वीजा का इंतजार कर रही है और लाइन में खड़ी हो गई है। दरअसल भारत 5 से 17 दिसंबर तक तीसरे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान टीम को इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए वीजा मिलने की संभावना बनती नजर आ रही है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की माने तो भारत ने आखिरी वक्त में उनकी टीम को वीजा देने से मना कर दिया। पाकिस्तान काउंसिल ने बकायदा मीडिया रिलीज के जरिए उनकी जानकारी साझा की है। हालांकि उसका यह ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं है, पर उसने खुद को वर्ल्ड कप का बड़ा दावेदार बताते हुए वीजा नहीं मिलने की खबर दी है। बता दें कि भारत लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, जिसके तमाम मुकाबले फरीदाबाद, दिल्ली, मुंबई, इंदौर और बेंगलुरु में खेले जाएंगे।